अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, दिस इज अदील, वेलकम टू रिएक्शन रील्स। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो फिर से जेडी मास्टर का एक जो सीन है वो हम लेकर आए हैं, जिसमें जेडी मास्टर और जो भवानी है दोनों विजय आपस में आमने सामने आते हैं और इनका थोड़ा सा शायद हाथापाई भी हो जाए, क्योंकि मैंने देखी नहीं है, अभी मैं देखूंगा तो फिर पता लगेगा। तो सीधी सीधी हम वीडियो शुरू करेंगे, उसके बाद सारी उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और एक और बात जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात थी मैं भूल रहा था, वो ये था यार, हमारी कोई वीडियो है, हमारी वीडियोस ना एक चैनल है वो ना उठा के री अपलोड करे जा रहा है, उसे मैंने यानी कि मैसेज वगैरह भी किए हैं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो काइंडली मैं पता क्या करूँगा, मैं उसका नाम ना अपने इस वीडियो के जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें बता दूंगा। आपने क्या करना है, आपने जस्ट वो नाम कॉपी करना है, उसको पेस्ट करना है उसके चैनल पे जाके, वीडियोस में जाके, जहाँ पे आपको हमारी वीडियोस दिखें जस्ट आपने जाके वो रिपोर्ट कर देनी है, और कुछ नहीं करना। रिपोर्ट में आप जाएंगे, सबसे लास्ट में आता है, आपने उस पर जाके रिपोर्ट कर देना। तो काइंडली ये काम तो कर ही दें, आप सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे हैं, कम से कम यही कर दें कि बंदा वो हमारी रीपोस्ट करे जा रहा है, हमारे व्यूज़ उसकी तरफ जाए जा रहे हैं। दूसरा, और वो कुछ कर भी नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, हमारे रिएक्शन उठा रहा है और एंड का हमारा बताना शुरू कर देता है और टोटल हमारी वीडियोज़ यानी कि डाल रहा है, और लोगों के भी डाल रहा है। लेकिन मैंने देखा हमारी एक रोलेक्स वाली वीडियो उसने डाली हुई थी, उसके नीचे किसी ने उसे कहा कि वो एक नई मूवी आई है कार्तिकिया मेरे ख्याल से, ठीक है कि आप उस पर रिएक्ट करें। तो इसने क्या किया कि हमारी ब्रह्मास्त्र मूवी के ऊपर कार्तिकिया का वीडियो लगा के सारी हमारी वीडियो बना दी उसने। तो काइंडली आप जाके उसके जो हमारी वीडियोस हैं उन पर रिपोर्ट कीजिए, ताकि उसको भी थोड़ा पता लगे कि भाई दूसरे का कंटेंट उठा के आप यूज़ करो, आप अपना कुछ बना लो, आपने रिएक्शन ही करना है ना, तो आप अपनी वीडियो क्रिएट करो, दूसरे की क्यों उठा रहे हो। तो बस इतना सा है, बाकी हम वीडियो शुरू करते हैं, प्ले करते हैं जी। நீ அந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் போலீஸ் டிபார்ட்மென்ட்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிடு. நான் பசங்க எல்லாரையும் மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி நேரா கொண்டு வந்து போடுறேன். ஓகே. மாஸ்டரே, இதோ பவானி எழுந்துட்டு இருக்கேன். இங்க பவானி அடிக்கடி வருவாரு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஏறங்க போலாம். ஐயோ ஐயோ, நான் வளரியா மாஸ்டரே, நான் வரல. भवानी का अड्डे पे लाया इसको। हाँ, उसको कहते राजल कह रहा है मजाक मत कर, मैं नहीं जा रहा। अब अंदर कोई सॉन्ग गा रहा है। अंदर कोई लगता उदास आत्मा बैठी है। समझता उसे मैं, मुझे नहीं आ रहा, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई उदास गाना लगा। अच्छा, वॉशरूम से निकला। हाँ, और भवानी ही है। हाँ जी, इतनी सानी से हाथ आ रहा, वरना ये ऐसी चीज है, ये किधर हाथ आता, अगले का मुक्का भी ढाई नहीं 27 किलो का। अच्छा, ये इसका कोड है ना नॉक करने का। கையாச்சும் பொருள் எடுக்க போச்சு, இவன் போணம் ஆயிடுவான், முடி போடுறா, முடி போடு, போட்டா இஸ்கோ தோ பன் கரோ, என்ன गाइस गाना बंद करो। பாவா நீங்க யாரா பாத்துர்க்கா? அது இஸ்கோ நீ பதா நீ हां ना, उसने हाथ खड़ा किया कि भवानी मैं हूं। भवानी तो सो रहा है। ये पहन है मेरे भवानी पैर वे के मुझे कुपर पड़ते ना ना। ओ माय गॉड, भवानी गई मुंह आगे कर दिया। இது பர் நான் திரும்பவும் சொல்றேன், எவனாச்சி திருப்பி அடிக்கறானே கேணத்தனமா ஏதாவது பண்ணீங்க சக்கராக உங்கள் சங்கையே சைன் போடுவேன். அப்படி இன்னொரு பாட்டில் வீசம் பாப்போம். அப்போ
உனக்கு பவானிய நல்லா தெரியும். இப்ப நான் சொல்றது அப்படியே அவன் போய் சொல்லுவியா? பவானி 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 ஓயிடம் தெரிஞ்சே ஒருத்தன் வந்தான் பவானி சொல்றா? இல்ல நீ சொல்லணும் அப்படியே போய் சொல்லிடு. अच्छा उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं शो कर रहा कि मैं भवानी हूँ ना? नहीं ना, बता दिया ना तो कह रहा उसको? तो उसने उस टाइम हाथ नहीं खड़ा किया था भवानी का, तो उसने खुद हाथ खड़ा कर दिया था। இனி பசங்களை வச்சு எவன் எதை பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் எனக்கு கொண்டுட்டு தான் பண்ணணும். ஆனா அதுல ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கு. நான் சாகிறதுக்கு முன்னாடி மினிமம் ஒரு 10 பேரையாவது குத்திட்டு தான் சாவேன். அது பவானியா இருந்தாலும் சரி, பானுமதியா இருந்தாலும் சரி. இது அப்படியே வந்து போய் சொல்வியா? வா. லேக்கு ஜார नाना बंद करवाएगा ना आई थिंक दरवाजा। अच्छा। तू तो इधर आ ना, तूने बोतल मारी थी। तू तो इधर आ। ये देखा, मुझे पता था। क्या यार, मुझे पता था इसे मैंने बुलाएगा। हमल ना यंजा, तन्ने कीलों उन दोनों ने पाते कौन था? हाँ ना मिस्सा की। ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग। इसे पढ़ेंगी सही, ओवर एक्टिंग कर रहा है। डर गया। देखा? क्या विलन है? देख यार नल्ला वरे बा मासा तो ये वाला मासा ना काकू सलाह से उत लागी समा किरके वच किरका मासा हाय वाती ने तो उरे तंदे औरतन कलतल पैना वच भवानी टोर मुख्य मान विषय सोला सोनिया मैं அந்த பவானி நான் தான். வணக்கம். எனக்கு சொந்தமான துணிக்கடை மெஸ்ஸு ஒயின் சாப் இதெல்லாம் அடிச்சு உடைச்சா இவன பெருசாக மயிரை பிடிங்கிற போகிறான். இவனே கிரிமினலு, இவங்க பொழிச்சுட்டு போயிட போகிறான் சொல்லி ஒரு கணக்கு போட்டேல, அந்த கணக்குலாம் கரெக்ட் தான், ஆனால் என்கிட்ட போட்டது தான் தப்பு. வெளியில் உன்னை பற்றி விசாரித்தேன், உன்னை பிடிக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கூட்டம் சுற்றிட்டு இருக்காங்க, அதில் யாரை போடலான்னு சொல்லி பசங்கிட்ட கேட்டேன், பசங்க வந்தானே எல்லாரையும் போடலான்னு ஜாலியாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நீ ஒன்று பண்ணு, ஒரு பேப்பர் பேனா எடுத்து உனக்கு பிடிச்சவங்க பேரெல்லாம் ஏபிசிடி ஆர்டர்ல வரிசையா எழுது. பவானி இந்த பொண்ணுங்க சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் மன்னிச்சு விட்டோம்னு சொல்லி சும்மா விட்டாத, அவங்க பேரையும் கன்ஃபார்ம் எழுது. எழுதிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கா போனை போடு. அப்புறம் பாத்தே என்ன, ஹலோ என்னடா போனை வச்சுட்டா பயந்துருப்பானே, எமோஷனல் இருக்கா போல. எமோஷனல் ஐ கெஸ், எமோஷனல் இருக்கா கோபப்படுறானோ தெரியலடா. इसके जितने बंदे बाहर हैं ना जो इसके साथ काम कर रहे हैं, उनको मारने की धमकी दे दी ना, कि जो जो बाहर है ना वो सारे गए। अच्छा वो सबको कॉल कर रहा है? हाँ, सबको कॉल कर रहा है। देखा, वो पूरे सर्कल में अपने फोन करवा रहा है कि जो जो बाहर है ना वो सेफ उस पे हो जाए। सेवर देखा, इसके पीछे भी ट्रक था। देखा उसने कॉल सुन ली है ना? Hello? ये सुनने के लिए साइड पर गई है। ये देखा, कॉल ना आती तो ये गई थी। तो
देखा वो एक एक करके ना जो जो इनके साथ काम कर रहे थे ना उनका ये मेन बंदा है इसका वो भी गया तीन बंदे गए तीन को मार दिया भवानी को तो बहुत पढ़ने वाली है वो चेक करो क्या बना हुआ वो चेक करो क्या बना हुआ क्या இதுக்கு மேல அந்த பசனோட தான் சுத்துறன்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சேன்னு வெச்சுக்கோ டெய்லி 4 விக்கெட் ஓடும் இதுவரைக்கும் என்ன தொட்டவன் யாரையும் நான் மன்னிச்சு விட்டதே இல்ல முதமுறை உன நான் மன்னிச்சு விடுறேன் ஒழுங்கு மரியாதை நீ பார்த்து இந்த வேலையை அப்படியே அம்போடு விட்டுட்டு ஊரை பார்த்து ஓடி போயிடு இல்லைன்னா இன்னைக்கு தப்பிச்சவன் நாளை சாவான் நாளை தப்பிச்சவன் நாளை சாவான் அப்புறம் சாவான் அப்புறம் சாவான் அப்புறம் செத்துட்டே இருப்பானுங்க நன்றி வணக்கம் ஏ பாத்தி பாத்தி அப்புறம் நான் ஏன் உனக்கு ஃபோன் பண்ணேன்னா நான் பேர் வைக்க குப்பரப்படுக்கலையா மட்ட மல்லாக்க படுத்துருந்தான் சரி வா अब इनकी जो फाइट होगी ना अच्छा जी तो ये था वीडियो का क्लिप जो मूवी का क्लिप था जेडी मास्टर का तो उस तरह तो फाइट नहीं हुई है जो मैं देखना चाह रहा था पर फिर भी अब जो आगे की फाइट होगी वो बड़ी मज़े की होने वाली है क्योंकि पंगा सीधा सीधा हो चुका है अब बेसिकली ये इनकाउंटर था इन दोनों का हाँ कि आमना सामना होना था और वो हो गया अब जो जेडी मास्टर के बंदे उसने जाहिर सी बात है चार के पता नहीं तीन बंदे फारिग कर दिए तो जाहिर सी बात है ये थोड़ी छोड़ेंगे अब इनका एक वो मेन लड़का था वो जो जिसको वो चाकू मारा ठीक है वो मेन बंदा था फिर वो जो गाड़ी से लड़ा है वो मेन बंदा था तो अब आगे का जो सीन क्रिएट होना ना वो तो मज़ा आएगा देखने का बाकी इसकी बात करें तो इसमें जो फनी जो एक तो फनी थोड़ा थोड़ा सा मुझे ये सीन में थोड़ा थोड़ा था कि सबसे पहले तो पेन वहाँ रखा था वो साइड से पता पेन से भी लग सकती थी नेप घुस जाए तो गया बंदा वो जो ओवर एक्टिंग कर रहा था ना बंदा जो देख रहा था कि यार उस टाइम की जिस टाइम रखा हुआ था तो कोई आगे नहीं आया तो जल्दी से ना अभी इससे पहले कि ये क्लास ले तो मैं जल्दी से ना दरवाजे पे चढ़ के ओए ओए इधर उधर चीखें मार रहा था कि शायद उस नंबर बढ़ाने वाली बात होगी ना कि बॉस के सामने नंबर बढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ कर रहा था अगले ने सही फिर चपेड़े मारी हैं दूसरा और वो बॉटल वाले की गलती नहीं थी बॉटल वाला अपनी जगह पे सही था और उसने परफेक्ट टाइम पे हम फेंकी थी ठीक है क्योंकि जिस टाइम ने रखी हुई थी उसने तभी बॉटल फेंकी थी वो अलग बात है कि मास्टर जी ने भवानी को ही आगे कर दिया इसीलिए शायद उसे पड़ी भी नहीं है वो तो ओवर एक्टिंग की वजह से भी बच गया दूसरा वाला ओवर एक्टिंग कर रहा था तो उसको नहीं पड़ी उसको पड़ गई वो चीज़ एक मुझे अच्छी लगी दूसरा यार ये जो भवानी है यार इनकी एक्टिंग का क्लास ही अलग है मैं इनकी फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहा हूँ ये विक्रम से मैंने विक्रम मूवी देखी थी तो उसके बाद मैंने इनकी देखना शुरू की है यानी कि अब ये आ गई है विक्रम के बाद मैं ये देख रहा हूँ इनका एक अलग क्लास है हर उसमें और एक अलग तरह का है जैसा उसमें विक्रम में था रक्षे से निकलते यूँ हाथ पीछे बांधते और चलते हुए जा रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ या वो एनएक से यूं पे निकाल के जो कुटाई की है उनकी वो इसमें क्या जी इसमें अलग अलग करेक्टर यानी कि अलग अलग तरह आ रहे हैं ना अब वो नहाते हुए वो जो बना लिए इन्होंने क्या नाम है एंजेलिना जूली की एक मूवी थी यार उसमें उनका वो ब्लैक सा एक कॉस्ट्यूम था जिसमें मुझे भी मूवी का नाम उस टाइम याद नहीं आ रहा था लेकिन शक्ल आज जहन में आ गए थे कि ये किस तरह के हो गए तो यार ये चीज़ जो यूनिकनेस है ना इनकी ये इनके करेक्टर को और अच्छा ज़्यादा निकालती है यानी कि
हर चीज़ में ना ये एक अपनी अपना एक अंदाज लेकर आते हैं, वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त है इनकी। बाकी मुझे तो वीडियो बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन को पे क्लिक कर दोगे ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे, मिलती रहे, पहुंचती रहे। सब्सक्राइब लाजमी करना है। सब्सक्राइब नहीं करते यार आप, वीडियो की भावनाओं में ना बह जाते हो, उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दिया करो हमारी वीडियो को। और वो जो चैनल मैं नीचे कमेंट्स में डालूंगा उसके नेम को कॉपी करके उधर जाके उसके जो हमारी वीडियो वहाँ नज़र आएगी आपने वो रिपोर्ट लाजमी करनी है, क्योंकि वो बंदा यार हमारी वीडियो उठा उठा के डाले जा रहा है और लोगों के भी डाल रहा है, उनको भी करना चाहिए कि यार एक बंदा आपकी वीडियो से डाल रहा है तो आप रिपोर्ट करें। मैंने भी कर दी है, इससे भी करा दी है, तो काइंडली आप लोग करेंगे जितनी रिपोर्ट ज़्यादा होंगी ना उसके खिलाफ उतना ही जल्दी वो वीडियोज़ डाउन होंगी, क्योंकि अगर एक दो रिपोर्ट्स होंगी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग भी हमारा साथ देंगे तो जल्दी हमारी वीडियो वहाँ से हट जाएगी, क्योंकि हमारे व्यूज़ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो काइंडली ये कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो थी, कल फिर से मिलेंगे एक नए रिएक्शन के साथ, एक नए अंदाज में, एक अंदाज तो खैर एक ही रहता है मेरा, चलो कोई नहीं चेंज करके देख लूँगा। तो कल फिर मिलूँगा इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए रिएक्शन के साथ, तब तक